देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर। उज्जैन पब्लिक स्कूल के पोलिंग पर दक्षिण के प्रत्याशी और बैरवा समाज के राजकुमार खलीफा में विवाद हो गया। खलीफा ने मोहन जी पर समाज को गालियां देने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता और बीजेपी दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी मोहन यादव के बीच झड़प भी हुई। वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ में घुसने को लेकर हुई थी कहासुनी। क्या विवाद हो गया? मैं जिस पोलिंग बूथ पे गया था वो पोलिंग बूथ मेरा खुद का पोलिंग बूथ है और मैं उसका मतदाता हूँ। और मैं जब अंदर गया तो देखा कि मोहन जी कम से कम 100-150 लोगों को लेके एकदम बूथ पर आए। मैंने बोला साहब कि ये क्या बात है, इतनी सारी पब्लिक लेके अंदर आना गलत है। तो उन्होंने पहले तो वो दीपक मेहरा जी के साथ में अभ्यर्थना करी, उनको धक्का बोला कि इनको अंदर कराओ, ये करो वो करो। उसके बाद में मैंने उनसे बोला कि किस प्रकार की आप भाषा और किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे भी गाली बकी, उसका बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी और कि तेरे साथ में ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जानता नहीं मोहन यादव हूँ और ये मार डालूंगा, ये चुनाव है चुनाव के बाद में देखता हूँ। तो मैंने बोला कि भैया ऐसा हुआ क्या, मैं मतदान भी निकलना हूँ क्या मेरा? और आपका मैंने बोला कि इतने सारे लोगों को लेकर आया तो गलत तरीका है, अब इस चीज़ का मैंने बोला तो गलत तरीका, और समाज को भी गाली मार रहे थे। क्या कह रहे थे? वो गंदी गाली बकी थी तो मैं वीडियो पे कैसे बोलूँगा। मयंक गुर्जर के साथ रुपेश तिवारी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।